दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच केपटाउन में खेला जाएगा। मुकाबला 11 जनवरी से शुरू होगा। इस मैच में भारतीय टेस्ट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली की वापसी हो सकती है। ऐसे में किस खिलाड़ी की जगह उन्हें टीम में मौका दिया जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों बता दें कि टेस्ट टीम के पूर्व उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने दूसरे टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ा था, लेकिन उन्हें अगले टेस्ट मैच में बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि इसकी भी संभावना है कि किसी और खिलाड़ी को बाहर किया जाए और रहाणे की टीम में जगह पक्की रहे। रहाणे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक से चूक गए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें एक ही मैच खेलने को मिला था। दोस्तों हालांकि विराट कोहली की वापसी पर चेतेश्वर पुजारा के नाम पर भी विचार किया जा सकता है कि उन्हें टीम से बाहर किया जाए। पुजारा अनुभवी क्रिकेटर हैं और वह अभी तक 94 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में जरूर अर्धशतक जड़ा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनके बल्ले से कोई भी बड़ी पारी नहीं आई है। ऐसे में उनकी जगह भी विराट को टीम में शामिल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि अपने करियर में अभी तक 13 टेस्ट मैच खेलने वाले हनुमा बिहारी की जगह भी टीम में पक्की नहीं लग रही है, तो ऐसे में विराट कोहली की वापसी पर उन्हें बाहर करने पर विचार किया जा सकता है। बिहारी इससे पहले इंडिया ए टीम के साथ खेल रहे थे और उन्होंने तब अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्हें सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भी मौका नहीं मिल पाया था। पिछले टेस्ट में उन्होंने जरूर दूसरी पारी में संघर्षपूर्ण अंदाज में बल्लेबाजी की और नाबाद 40 रन बनाकर लौटे। दोस्तों इस बीच टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि पेसर मोहम्मद सिराज पूरी तरह से फिट नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे जाकर सिराज की फिटनेस का आकलन करना होगा कि वह अगले 4 दिन में फिट हो पाएंगे या नहीं। इसका मतलब है कि सिराज का अगले टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।